शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ओबीसी को ऐसा धोया कि पूरा हिंदुस्तान उनके लिए तालियां बजा रहा है। यही ओबीसी मिथुन दा को सीधा चुनौती दे रहा था, जब मिथुन दा ने हुमायूं के एक बयान पर सिर्फ इतना कहा था कि अगर वो भागीरथी में काट कर फेंक देगा तो हम उन्हें उन्हीं की ज़मीन में दफना देंगे। अब ओबीसी की करारी हार पर देवेंद्र फडणवीस ने खुले मन से उसकी ऐसी धुलाई की है कि पूरा हिंदुस्तान तालियां बजा रहा है और मिथुन दा भी देवेंद्र के इस बयान से बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या। पराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभु राजा था, संभाजी राजे ने कह दिया अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। मिथुन दा ने महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए जगह जगह पर रोड शो किया था और अब बीजेपी पूरी तरह से महाराष्ट्र को जीत चुकी है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इसके साथ ही योगी की लहर भी महाराष्ट्र में तेजी पकड़ रही है और आने वाले समय में योगी पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरने वाले हैं। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती को गाली देने वाले सभी छोटे मोटे गुंडे टपोरियों की बहुत जल्द खातिरदारी की जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।